व्हाट्स अप गाइस, रिहान वर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पिक्सआर्ट ऐप की मदद से अपने पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, और वो भी बहुत इजीली। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। तो फोटो ओपन करने के बाद गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कटआउट वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इन दोनों का यूज़ कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो गाइस, इस ऑप्शन से क्या होगा, जो पिक्सआर्ट है वो अपने आप ही एक सिलेक्शन जनरेट करके देगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिक्सआर्ट ने काफ़ी अच्छी सिलेक्शन कर दी है, हालांकि एजेस से काफ़ी ये थोड़ा अभी रफ है, तो उसे हमें रिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक पिक्सआर्ट ने अच्छा काम किया है। आई के बटन पे क्लिक करके आप अपनी सिलेक्शन चेक कर सकते हो। तो गाइज, अभी इसको मैं फिर से नॉर्मल मोड में ले आता हूँ और जो है अपने ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा। ब्रश पे दोबारा क्लिक करने से आप इसकी हार्डनेस और साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपनी सिलेक्शन को रिफाइन कर सकते हो। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपनी फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। तो गाइस, इसको सेव करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस, ये तो हो गया पहला मेथड। तो चलो जल्दी से मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ अंडू करना पड़ेगा, और चलिए अभी दोबारा कटआउट पर क्लिक करते हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको दूसरा जो है ऑप्शन वो बता देता हूँ, जो ये डॉटेड वाली लाइन बनी हुई है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो साइज़ को आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो गाइज, अभी आपको करना क्या है, अपने सब्जेक्ट के चारों तरफ एक आउटलाइन बना लेनी है। आउटलाइन बना लेने के बाद अभी आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी आपने आउटलाइन बनाया था उतने में पिक्सआर्ट जो है आपको एक सिलेक्शन बना के दे देगा, तो आप अभी इसको भी रिफाइन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में करके बताया था, तो इसीलिए ये सिलेक्शन ऐसा बना है, लेकिन अगर आप टाइम देके बनाओगे और जो है आउटलाइन अच्छे से बनाओगे, तो ये सिलेक्शन भी उतनी ही अच्छी होगी। तो जैसे मैंने पहले अपनी सिलेक्शन को रिफाइन किया था, तो फिर से मैं वैसे ही कर लेता हूँ। तो गाइज, अच्छे से सिलेक्शन कर लेने के बाद मैं यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़, ये तो मैंने आपको दो मेथड बता ही दिए हैं कि कैसे आप अपने पिक्चर्स का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक और ट्रिक भी है जो इन सब में से मेरा फेवरेट है और जो इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स में नीचे जाना है और यहाँ ड्रॉ वाले आइकन पर क्लिक करना है, और फिर ड्रॉ वाले आइकन पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद गाइज, सबसे पहले हमें फर्स्ट आइकन पर क्लिक करेंगे, जो कि लेयर्स के लिए है, और जो अपनी इमेज लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज, अभी हमें एक इरेजर वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं इसका जो है ब्रश सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसका साइज़ और ओपेसिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। गाइज, जो सेटिंग है वो आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और ये सब कर लेने के बाद अभी मैं अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लूँगा।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पिक्चर का जो है बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से इरेज हो चुका है और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ थ्री डॉट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव इमेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इमेज सेव हो जाने के बाद गाइस जो है हम यहाँ टिक वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन देगा, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारी इमेज का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से इरेज हो चुका है। अभी मैंने इसको काफ़ी जल्दी जल्दी में किया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो पूरा अपना टाइम लेके, तो जिससे जो है बैकग्राउंड आपका काफ़ी अच्छे से इरेज हो। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।